हर्षिल एंड आज हम हमारे रीजन ऑर्डर्स पर काम करने वाले हैं। सो आज बेसिकली हम काफ़ी सारे रोज प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स कंप्लीट करने वाले हैं एंड सेटली स्टार्ट करने वाले हैं एंड बाकी कुछ ऑर्डर्स पर भी वर्क करेंगे जैसे कि की चेन, फिर उसके बाद पेंडेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल द मटेरियल, लाइक आई हैव गॉट द की चेन मोल्ड्स, देन दिस रेजिन फ्रेम मोल्ड, वेइंग मशीन, फिर दिस इज़ द रेजिन विच आई विल बी यूजिंग, दिस इज़ द 2:1 रेजिन, देन मेरे पास कुछ पेपर कप्स है और कुछ पेपर कप्स है जिधर मैंने बेसिकली ऑर्डर्स मेरे स्पेसिफाई किए हैं सो दैट जो रोज पेटल्स वगैरह है वो मिक्स ना हो जाए। ओके, सो मैंने इधर ऑर्डर्स लिखे हुए एज वेल एज इस पैकेज के ऊपर भी मैंने इस तरह से मेरा जो भी ऑर्डर वगैरह है वो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, सो फिर मेरे पास कुछ बीजल्स भी है, हार्ट एंड रेक्टेंगल वाला, फिर कुछ स्टिक्स है एंड यस, नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक आवर ऑर्डर्स गाइस। सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ऑल दिस रोज पेटल्स इन दिस रिस्पेक्टिव कप्स। ओके ओके, सो नाउ फर्स्टली दिस इज द आयशा, so for Aisha this year, okay, so I'm going to put this rose petals here and other rose petals also as per their name and orders, so let's do that guys। so yes, ab sab maine achhi tarah separate kar diye hai flowers। okay, so ye jo normal flowers hai actually main mere khud ke paas jo flowers the wo hai and baki ke jo mujhe mere customers ne bheje hai। सो नाउ हमारा सेटअप भी अच्छे से रेडी है, मोल्ड्स वगैरह, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पोर आर रेजिन एंड हार्डनर इनटू द कप, सो वी आर गोइंग टू पोर टोटल ऑफ 120 ग्राम्स, सो इट विल बी 80 ग्राम्स रेजिन एंड रिमेनिंग 40 ग्राम्स हार्डनर, सो दिस इज 2:1 रेशियो। ओके, सो दैट्स वाई 80 ग्राम्स रेजिन। After pouring the resin and hardener, we are now going to mix this properly. We are going to mix it around 4 to 5 minutes. Okay, make sure to scrap the bottom as well as the sides of the cups properly and mix it slowly. I also pour some clear resin on the rose petals. Okay, now I am going to add these rose petals into their respective keychains and pendants, so let's do that। As you can see, I have added the rose petals and the resin everywhere. Okay, so now we are going to also do the next layers. So this is only the first layer, but that we will do after it cures completely. So the pendant is fine, so is the frame, but for the keychains we need to do another layers also, and the remaining resin I poured it into a paper weight mold। okay, so now let this cure completely। so guys, abhi maine mix kiya hai resin hamara, okay, resin and harness some more, so now I'm just going to pour some like this into the other molds, okay, something like this, and then add the glitters and flakes, similarly main dusre molds mein bhi pour karungi, is time main pura fill karne wali, slowly like this। मैं इस तरह से अभी नेम भी ऐड करने वाली हूँ यहाँ पर। ओके, ये नेम आएगा इधर एंड देन उसके ऊपर हम रेजिन पोर करेंगे हमारा। अभी हम यहाँ पर भी हमारा इस तरह से थोड़ा रेजिन लेकर इस तरह से ये करेंगे स्प्रेड।
इस तरह से गोल्ड फ्लेक्स वगैरह हम ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड वी विल जस्ट स्प्रेड इट देन वी विल आल्सो ऐड द ग्लिटर्स एंड ऑल सो दिस इज द ग्लिटर्स ओवर दैट लाइक सो यस गाइज एज यू कैन सी मैंने सब रेजिन वगैरह पोर कर दिया है ओके सो नाउ अभी हमें इसे भी अच्छी तरह क्योर होने रखना है फॉर 12 to 24 आवर्स ने इसके ऊपर एक्चुअली लैटेक्स अप्लाई किया है ऑन द बैक साइड सो दैट जब हम हमारा फिर से रेजिन पोर करेंगे सामने वो अगर बैक साइड पे गया तो रेजिन ड्रिप्स अवॉइड करेगा ओके सो मैंने एक्चुअली थोड़ा सैंडिंग किया था एंड इस पर कुछ मार्क्स आए हैं ओके सो इसलिए हम इसे फिर से टॉप कोट हमें देना पड़ेगा सिमिलर विद द अदर लेटर्स आल्सो एंड अभी हम हमारा स्पॉटिफाई कीचेन भी तैयार करेंगे सो इसमें हमें इस बार फोटो ऐड करना है गोल्ड ग्लिटर्स एंड फ्लेक्स वगैरह ऐड करना है सो या लेट्स स्टार्ट नाउ एंड ऑल्सो आवर पेंडेंट इज रेडी सो मैंने चेन भी अब ऐड कर दी है पेंडेंट में ओके सो आवर पेंडेंट इज ऑल्सो रेडी सो नेक्स्ट ये जो है ना ये एक्चुअली अम्बिलिकल कॉर्ड है मुझे एक क्लाइंट का प्रिजर्व करना है पेंडेंट में सो अब जब मैं निकालूंगी तब आपको दिख जाएगा ओके सो या नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इस तरह से जैसे आप देख सकते हो ये मैंने फिर से एक्चुअली लैटेक्स अप्लाई किया है सो ये जो इस पर है फ्रंट साइड पर इस तरह से सो दैट रेजिन ड्रिप्स अगर पड़े मैं उसे निकाल सकूं सो अभी हमें बैक साइड पर शाइन लाने के लिए हमें फिर से इधर रेजिन टॉप कोट करना पड़ेगा ओके ऑन द बैक साइड सो दिस इज द लैटेक्स विच आई यूज ओके सो या नाउ लेट्स डू दैट सो यस गाइज अभी आप जैसे देख रहे हो मैंने एक्चुअली लैटेक्स जो था वो मैंने रिमूव किया है एज वेल एज जो मैंने बोला था मैं बॉटम पर भी कोट करने वाली हूँ रेजिन से वो मैंने कर दिया आई डिडंट रियली रिकॉर्ड द प्रोसेस ओके क्योंकि बहुत काम था मुझे नहीं जमता प्रोसेस रिकॉर्ड करने को सो दैट्स व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड इट बट आई डिड इट एनीवेज सो दिस इज द रिजल्ट एज यू कैन सी
ओके नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज अभी मैं की चेन्स की जो चेन्स रहते हैं ना हमारे जंप रिंग आइसक्रीम वगैरह वो सब ऐड करने वाली हूँ एज वेल एज हमारा पेंडेंट भी रेडी है. ये वाला मैंने नया पेंडेंट बनाया एक दिस इज फॉर द ऑर्डर एज वेल एज ये जो पेंडेंट था इधर कस्टमर को एक साइड पर नेम लिखना था. ओके सो आई रोट द नेम एंड डेकोरेटेड द साइड्स विद ग्लिटर एंड योर आई प्रिजर्व द कॉर्ड. ओके सो या नेक्स्ट अब हम सिर्फ की चेन्स पर लगाएंगे सब इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि कुछ कुछ ऑर्डर के नहीं है सिर्फ मेरे जो एक ऑर्डर्स है सिर्फ मैं उस पर चेन्स वगैरह लगाओगे एंड की चेन्स लगाओगे. सो यस लेट्स डू दैट नाउ. सो गाइज आई विल जस्ट शो द टूल्स विच आई यूज एक्चुअली आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड द प्रोसेस सो दैट्स व्हाई. सो दिस इज द ड्रिलिंग मशीन विच आई विल बी यूजिंग टू मेक होल्स ओके ऑन टू आवर रेजिंग की चेन्स. ओके सो दिस इज द ड्रिलिंग होल इट कम्स विद अ लॉट ऑफ अदर things also like for sanding for polishing and different sizes of drills it's a very good purchase actually I will give you the link in the description below so make sure to check that as well as for the keychains I'm using this keychains okay and here I have the jump rings and then the ice cream the similar ones I also have in silver so maybe if needed I will also use those so yeah that's it for the materials. Okay, I can also sand with this machine here, which this tools. I can sand it with them, and for the chains, jump rings, and ice screws. So yeah, those are the tools which I will be using. If you want to see how to put exactly and how to drill, there is another YouTube video which I have made for that. So you can check that video also. I have also put that link in my description below. So also check that. So yeah, let's do this work first. And here are the chains which I will be putting on to the pendants. Okay, so I have purchased a lot of chains. You can also get one or two chains from any other resin art store and all. Okay, so for this pendants, I will use this chain silver and I also have the golden one. Yeah, that's it. So as you can see guys, maine sab chains फिर ब्रेसलेट को भी मैंने चेन वगैरह सब कुछ अच्छे से ऐड कर दिया है एज वेल एज की चेन्स के चेन्स एंड ऑल. सो ये स्पॉटिफाई किचन भी मेरा कस्टमाइज्ड ऑर्डर था सो इवन दिस इज रेडी. सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग कस्टमाइज करना हो या फिर कुछ रोज प्रिजर्वेशन आपको करना हो यू कैन डी एम मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर मैं इधर मेरा नंबर भी दे रही हूँ व्हाट्सएप नंबर आप मुझे उधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई कैन कस्टमाइज जस्ट दिस ब्यूटिफुल रीजन आर्ट पीसेस फॉर यू. ओके एज वेल एज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.